नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पालिका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो टॉपिक है दैट इज योर स्पेशल टॉपिक, दिस इज द हुक्स लॉ फॉर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस। काफी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक का काफी इंतजार था। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर यानी जो हमारी चैप्टर का नाम है या फिर बोल सकते हैं प्लेलिस्ट का नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के तमाम यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, जो भी डेरिवेशंस, हर एक क्वेश्चन मैंने डीपली बहुत अच्छे से करवाया, तो आप उसको देख सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स होंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं कॉलेजेस में, कहीं पर भी रिलेटिव्स को भी, ठीक है। और आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हमारा क्या बोलते हैं फ्लूइड मशीनरी का जो पेपर है बहुत अच्छा गया है, काफी मतलब अच्छे मार्क्स मारे हैं और हाईएस्ट मार्क्स मारे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये सब आप ही के प्यार सपोर्ट की वजह से है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपको कुछ गेन हुआ है, मीन्स प्रॉफिट हुआ है, नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लीज दिल खोल के डोनेट कीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज योर हुक्स लॉ, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने मेरा पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली उसमें एक हमारा टॉपिक निकल के आया था, दैट इज योर रेक्टेंगुलर बार सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है। रेक्टेंगुलर बार है वो ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस से सब्जेक्टेड है, क्लियर हो गया, ओके। तो लगभग वही टॉपिक है ये, ठीक है। बट उसमें क्या डिफरेंस था कि जो रेक्टेंगुलर बार है वो इलास्टिक मटेरियल है, बट यहां पर जो ये रेक्टेंगुलर बार है वो सब्जेक्टेड है, मींस सब्जेक्टेड तो है ये क्या बोलते हैं ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस से। अभी सब्जेक्टेड ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस का मतलब है कि इसको एक्स वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन से फोर्सेस से सब्जेक्ट कर दिया गया, एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से एंड जेड डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेसेस तो पैदा होंगी होंगी ना। बट इसमें डिफरेंस इतना ही है कि ये जो मटेरियल है, ये जो रेक्टेंगुलर बार है, ये हुक्स लॉ ओबे करता है। तो हुक्स लॉ जो मटेरियल ओबे करता है, क्लियर हो गया, उसमें ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस कैसी होती है, अभी कैसी क्या होती है, वो तो जो स्ट्रेसेस होती है वो तो स्ट्रेसेस होती होती है, क्लियर हो गया। तो लगभग ये टॉपिक पिछले से हूबहू मैच करता है, बस इतना ही था कि ये जो क्या हमारा जो इलास्टिक मेटल है ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। बाकी ये क्या देने वाला है एक्चुअली में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेसेस तो आ ही रही है, बट ओवरऑल स्ट्रेन क्या होगा एक्स डायरेक्शन में जब फोर्सेस तीनों पिक्चर में आ जाती है इस रेक्टेंगुलर मेंबर पे एक्ट करती है जो हुक्स लॉ ओबे करता है। तो लगभग फॉर्मूले क्या है, वही चीजें, ठीक है, बस फर्क इतना ही है जितना मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं वापस आपके लिए रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको बता देता हूं कि ये एक रेक्टेंगुलर बार है, ये हुक्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन है, ये हाइट इसकी वाई डायरेक्शन है, क्या बोलते हैं जेड इसकी विड्थ है। एक चीज और बताऊंगा कि एक्चुअली लास्ट में हम इस जो फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते हैं, ये जो एक्चुअली ओवरऑल स्ट्रेन आपको एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मिलता है ना, तो हम इस फॉर्मूले को इस हिसाब से रीअरेंज करेंगे जो ये हुक्स लॉ को बताएगा, क्लियर हो गया। एक्चुअली हमें इस फॉर्मूले के जरिए रिलेशन मिलता है ओवरऑल स्ट्रेन और इसके बीच में रिलेशन मिलता है, देखिए ओवरऑल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में और पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की बात नहीं करेंगे, वो छोड़ देते हैं, ओके, ओवरऑल स्ट्रेन, देन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आपका स्ट्रेसेस, ठीक है। तो हुक्स लॉ जो दिखता है जब ओबे होता है तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ओके, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खुलेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम इस हिसाब से इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर देंगे, इसी हिसाब से, मतलब इसी वजह से इसका नाम पड़ गया पूरे टॉपिक का हुक्स लॉ फॉर ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस, ओके। चलिए आपको दिख रहा है कि ये हमारा रेक्टेंगुलर बार है, हुक्स लॉ ओबे करता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई एक्स डायरेक्शन, जो हाइट है वाई वाई मीन्स वाई डायरेक्शन में वाई है, ओके, जेड डायरेक्शन में आपकी इसकी जो विड्थ है दैट इज योर जेड, ओके। अब एक्सियल डायरेक्शन इसी को बोलते हैं, कई बुकों में ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस भी लिखा हुआ है, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई एक्स एक्सिस क्या है, एक्सियल क्या बोलते हैं, एक्सियल डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में इसकी खुद की एक्सिस होगी उसी डायरेक्शन को एक्सियल स्ट्रेसेस भी मीन्स एक्सियल डायरेक्शन बोलते हैं, और उसी डायरेक्शन में पैदा होने वाली जो स्ट्रेस होती है वो एक्सियल स्ट्रेस होती है, ठीक है, क्योंकि मुंह से निकल गया था इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, ओके। और क्या बोलते हैं, ये हो गई एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स फोर्स से ये सब्जेक्ट हो गया, वाई डायरेक्शन में एफ वाई फोर्स से सब्जेक्ट हो गया, और जेड डायरेक्शन में एफ जेड फोर्स से सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मालूम है कि अगर ये फोर्सेस एक्ट कर रही है तो डेफिनेटली तीन स्ट्रेसेस भी होंगी, एक्स डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, तो ये पूरा का पूरा जो अब
मेंबर है ये ट्राई एक्सियल स्ट्रेस से सब्जेक्ट हो गया है, शर्त ये है कि जो मटेरियल है हुक्स लॉ ओबे करना चाहिए। हो गया क्लियर? अब आप देख रहे हैं स्ट्रेसेस भी देख लेते हैं। ओके, स्ट्रेसेस फिलहाल मैंने यहां पे बनाई नहीं हुई क्योंकि पिक्चर में अगर फोर्सेस हैं स्ट्रेसेस ऑटोमेटिकली होंगी। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा मेंबर है ये सब्जेक्ट हो गया ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस, यानी कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो सिग्मा एक्स यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होती है दैट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो दैट इज फोर्स क्या है एक्स डायरेक्शन में, एफएक्स एरिया कौन सा यूज हो रहा है, देखिए जिसको मैंने शेड किया हुआ है ऐसे, तो एरिया जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है, यानी कि ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला, क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए ये तो क्रॉस में मैंने शेड कर दिया है, तो जो शेप दिख रहा है वो रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, दैट इज योर लेंथ इज जेड हाइट इज वाई। तो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एरिया निकालने का, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इज जेड और विड्थ क्या हो गई, विड्थ बोल लीजिए या फिर कुछ भी बोल दीजिए, ये लेंथ हो गई ये विड्थ हो गई, क्लियर हो गया? लेंथ इनटू हाइट भी बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया सॉरी वाई इंटू जेड, तो यहां पे लिखते हैं एरिया वाई इंटू जेड। वैसे ही मैं वाई डायरेक्शन में भी निकाल दूंगा, ओके, जो स्ट्रेस आएगी दैट इज अ फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या होगी एफ वाई, ठीक है, दिस इज एफ वाई, याद रखिएगा। ओके, और जो एरिया है दैट इज योर दिस, ये जो टॉप एरिया है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जो शेडेड एरिया जिसमें क्रॉस में ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे हो गया, क्लियर? ओके, अब एरिया क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल को ही रिजेंबल कर रहा है, मीन्स रेक्टेंगल को बता रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है टॉप का एरिया, तो ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ, तो ये क्या है ब्रेड्थ क्या है आपकी जेड। ओके, तो लेंथ होगी एक्स, एक्स इंटू जेड, हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी लिख दिया। वैसे वायर डायरेक्शन में जो क्या बोलते हैं आपका जो नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा जेड दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ जेड अपॉन एक्स वाई। देखिए जिस एरिया पे, मतलब वो वाला एरिया जो खाली है, जो दिख नहीं रहा आपको, जो सामने दिख रहा है, कौन सा एरिया, एक तो ये लंबाई एक्स और ये हाइट हो गई आपकी वाई, तो लेंथ इंटू हाइट हो गया, यही होता है फॉर्मूला, तो एक्स इंटू वाई, तो एरिया हो गया आपका एक्स इंटू वाई। हो गया क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मैंने यहां पे बोला था कि हम इससे निकाल क्या रहे हैं, हमें एक्चुअली एक रिलेशन मिलता है जो लास्ट में हमें हुक्स लॉ के जैसा बनाना है। ठीक है, हमें एक रिलेशन मिलता है ओवरऑल स्ट्रेन के हिसाब से, मतलब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में ओवरऑल स्ट्रेन का को रिलेट कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, और क्या बोल सकते हैं पॉइजनस रेशियो से, और क्या बोलते हैं हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस से उसी डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए क्या है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, ये है हमारा ओवरऑल स्ट्रेन, अगर मैं एक समझाऊंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और इन्हीं तीनों को रीअरेंज करके इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। क्लियर हो गया? ओके, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो अब आप देख रहे हैं ये ओवरऑल स्ट्रेन है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए यही चीज मैं यहां पे बनाता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया है यही रेक्टेंगुलर मेंबर यहां पे बनाया। ओके, अब यहां पर जो है फोर्स एक्ट कर रही एफ एक्स, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है एक्स, हाइट क्या है वाई, और ये हो गई जेड अपनी। क्लियर? ओके, अगर मैं इसको फोर्सेस को यानी कि एक्सियल डायरेक्शन में यानी कि फोर्स लगा दिया तो इलोंगेट होगा, मान लीजिए ये थी आपकी ओरिजिनल लेंथ x, ठीक है, अब ये तीन पार्ट, मतलब ये इसकी टोटल इलोंगेशन हो गई, अब आप बोलेंगे कि यार ये तो काफी लंबा वो हो गया, एक्सपैंड हो गया, ठीक है, काम करता हूं इसे fx को यहां लिख लेता हूं, ठीक है, ये fx है इसका, ठीक है, ओके, इतना एक्सपैंड हो गया। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में फोर्सेस एब्सेंट कर दिए तो जो इलोंगेशन हो रहा है वो इतना हो रहा है डेल x, तो जो स्ट्रेन आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ई क्या होगा, दिस इज योर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितनी है डेल एक्स अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो यही तो लिखा मैंने। ओके, ये एक्स डायरेक्शन में ई है और ये मैक्सिमम आएगा, याद रखना ये कैसे आया, देखिए अगर मेरे को यहां पर ई की वैल्यू लिखनी है, अब आप बोलेंगे कि मैं यहां पर कुछ और लिख रहा हूं, यहां पर कुछ और लिख रहा हूं, तो ये जो ई है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, क्योंकि ये हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो सिग्मा अपॉन कैपिटल ई, हो गया क्लियर, तो ई की जगह सिग्मा अपॉन ई लिख सकता हूं, तो वैसे तो मेरे को यहां पे ई एक्स लिखना था स्मॉल, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखूंगा सिग्मा अपॉन ई, और एक्स डायरेक्शन में हो रहा है इसलिए सिग्मा एक्स लिखा है, तो ये है हमारी लीनियर स्ट्रेन। तो एफ एक्स फोर्स क्या काम करती है, लीनियर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने का काम करती है, बट ये जो लीनियर स्ट्रेन है, ठीक है, ये मैक्सिमम है एक्स डायरेक्शन में, बट क्या पिक्चर में एक ही फोर्स है, नहीं, दो फोर्सेस है एफ वाई और एफ जेड। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर मैं पिक्चर में एफ वाई लेकर आ जाता हूं, ये एफ वाई फोर्स आ गई ऊपर से और नीचे से भी, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम जो चेंज आ रहा था पहले कब, जब सिर्फ एक ही फोर्स थी एफ एक्स, अब इतना तो नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि पिक्चर में एफ वाई फोर्स आ गई और ये वाई डायरेक्शन को
एक्सपैंड करना चाहती है। एक फिर वापस हम पिक्चर में चलते हैं, मान लीजिए एफ वाई फोर्स नहीं है, थोड़ी देर के लिए एक चीज रह गई थी बताना, ठीक है, एफ वाई फोर्स नहीं है तो सिर्फ एफ एक्स फोर्स ही एक्ट कर रही थी, ये मैक्सिमम चेंज आएगा डेल एक्स। तो आप खुद सोचिए अगर मैक्सिमम चेंज एक्स में आएगा तो वाई में क्या होगा, वाई तो बहुत छोटा हो जाएगा, जेड भी बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब आइए कि मान लीजिए, बट ऐसा तो पिक्चर में है नहीं है, एक ही फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, एफ वाई और एफ जेड भी एक्ट कर रही है। अब हम एफ वाई पिक्चर एक एक करके एक एक फोर्सेस को लेके आते हैं, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में मैंने एफ वाई फोर्स लेके आ गया। अब क्या होगा, अब जितना ये एक्सपैंड होना चाहिए था कब, एक्स डायरेक्शन, कब, जब सिंगल फोर्स एक्ट कर रही थी, अब वो इतना एक्सपैंड नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब ये थोड़ा कम एक्सपैंड होगा, तो कितनी वैल्यू से कम हो जाएगा, वो इतनी वैल्यू से कम हो जाएगा, ये है नंबर वन, इतनी वैल्यू से कम हो जाएगा, मतलब अब जो चेंज आ रहा है लेंथ में वो इतना ही आ रहा है। किस वजह से? इस एफ वाई फोर्स की वजह से, इस एफ वाई फोर्स की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सपैंड करेगा, अगर ये एक्सपैंड करेगा, ठीक है, तो आपको मालूम है ये हो गया हमारा लीनियर स्ट्रेन, क्योंकि एफ वाई डायरेक्शन मीन्स वाई डायरेक्शन में ही एक्सपैंड कर रही है, ये फोर्स क्या कर रही है, वाई को एक्सपैंड करना चाहती है। अगर ये वाई को एक्सपैंड करना चाहती है तो भाई एक्स तो कम होगा ना, और जेड भी कम होगा। समझ में आ गया? आई होप आपको चीजें समझ। तो एक्स कम हो जाएगा, कितनी वैल्यू से कम होगा, वो ये वैल्यू है। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से इस वैल्यू को बोलते हैं ये है लैटरल स्ट्रेन। क्या है ये? लैटरल स्ट्रेन। मैंने हर चीज मेरे पिछले वीडियो में बताई है खोल खोल के कैसे बताया हुआ है, ठीक है, कैसे आता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो एफ वाई डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन होने की वजह से आपको मालूम है कि हर एक लीनियर स्ट्रेन फॉलो करता है लैटरल स्ट्रेन को। तो वाई डायरेक्शन में अगर लीनियर स्ट्रेन हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? लैटरल स्ट्रेन होगा। अब आपको मालूम है ये हमने कैसे लिखा, देखिए ये मैं बता देता हूं यहां पे, ये था लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। अब आपको मालूम है ये तो पॉइजनस रेशियो होता है, ओके। अगर मेरे को लैटरल स्ट्रेन, अब आपको मालूम है ये जो लैटरल स्ट्रेन है ये एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, लीनियर स्ट्रेन को मल्टीप्लाई होगा। ये लैटरल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में और ये जो लीनियर स्ट्रेन है ये वाई डायरेक्शन में, तो ये हो गया लीनियर, यहां पे लिख देता हूं लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो जो लैटरल स्ट्रेन है यहां पे लिखता हूं एक्स डायरेक्शन में, वो होगा लीनियर स्ट्रेन, और लीनियर स्ट्रेन क्या, वाई डायरेक्शन में, तो दैट इज ई वाई। और आपको मालूम है लैटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ आता है, ओके। और जो ई है, ई को तो हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन कैपिटल ई, बट ये लैटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में, इसलिए ये है। तो यही चीज तो मैंने लिखी है, नेगेटिव म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। और वैसे ही ये भी लैटरल स्ट्रेन है। अब पिक्चर में दो फोर्सेस थोड़ी ना, तीन फोर्सेस है, यानी कि जेड डायरेक्शन में भी आ गया भाई एफ जेड, ओके, यहां से भी आ गया एफ जेड। तो ये क्या करेगा, अगर एफ जेड फोर्स एक्ट कर रही है तो जेड डायरेक्शन बढ़ेगी ना भाई, एक्स और कम हो जाएगा, तो इतने पार्ट से और कम हो जाएगा, ये हो गया हमारा नंबर टू, यहां से लेके यहां तक। तो यही कह रहे हो, ये लैटरल स्ट्रेन। क्लियर हो गया? तो बच्चे अब इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो ओवरऑल चेंज आया है, यानी कि ये पार्ट वन और पार्ट टू को तो माइनस करना पड़ेगा, तो यही है वो पार्ट वन और ये है पार्ट टू, ओके। तो अब जो बची है लेंथ पूरे में से, ये मैक्सिमम थी, ये मतलब ये, इसमें से हमने पार्ट वन माइनस किया, पार्ट टू माइनस किया, तो बचा क्या हमारे पास, बस इतना, यही है वो पूरी वैल्यू। और इसी में से हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, म्यू दोनों में था, म्यू कॉमन निकाल दिया, ई दोनों में था, ई कॉमन निकाल दिया, यहां पे शायद लिखा नहीं हुआ है, सॉरी यहां पे ई लिख देता हूं, ठीक। और नेगेटिव साइन भी कॉमन निकाल दिया, ये आगे वैल्यू, इसी को रीअरेंज करके, क्लियर हो गया? तो ये है ओवरऑल क्या बोलते हैं, लीनियर स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में। वैसे ही हम ओवरऑल लीनियर स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको कई बुकों में रिजल्टेंट स्ट्रेन भी बताया हुआ है। ये हमारी रिजल्टेंट स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में। तो इसी को रीअरेंज करके हमने बस ऐसा लिखा है, ये पहला, तो ये है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, आपका क्या बोलते हैं एक्स डायरेक्शन में, ओके, ये है आपका नॉर्मल स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, ये है नॉर्मल स्ट्रेस आपका जेड डायरेक्शन। तो अब आप जरा इसे इस फॉर्मूले से कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ये फिलहाल मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए, ये हुक्स लॉ को ओबे करता है, सिग्मा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू लीनियर स्ट्रेन, हो गया क्लियर? ओके, तो आप देखिए, ये है एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस, ओके, इंटू ई है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये स्ट्रेन से कनेक्टेड हो गया पूरा, ठीक है। तो हो गया ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा, ठीक है। हमने जस्ट फॉर्मूले को क्या कन्वर्ट कर दिया, इस हिसाब से दिखाना चाहते हैं, वही आप नॉर्मल स्ट्रेस जो है वाई डायरेक्शन में, आप देखिए सिग्मा वाई इक्वल टू ई, और ये स्ट्रेन को, स्ट्रेन से पूरा कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये वैसे ही है सिग्मा जेड, मतलब यही फॉर्मूले को, मतलब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को हमने हुक्स लॉ जैसा रिप्रेजेंट किया है, बस और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल हुक्स लॉ फॉर ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। तो आई होप आपको, मैं कोशिश कर पाया हूंगा
अगर आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या मतलब है हर एक मीन्स चीज का, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी चीजें समझ में नहीं आती है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू. और इसी वजह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए. थैंक यू.